उमेश पाल हत्याकांड में घायल दूसरा सिपाही राघवेंद्र की भी बुधवार को मौत हो गई। 24 फरवरी को जयंतीपुर में हुए उमेश पाल शूटआउट में राघवेंद्र भी शूटर्स की गोलियों का शिकार हो गए थे। घायल अवस्था में राघवेंद्र को पहले प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। बाद में तबीयत में सुधार न होने के कारण उन्हें लखनऊ PGI रेफर कर दिया था। लखनऊ के डॉक्टर्स ने राघवेंद्र को बचाने का पूरा प्रयास किया, पर गोली लगने से शरीर में संक्रमण बढ़ता गया और बुधवार को डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। PGI निदेशक RK धीमान ने सिपाही की मृत्यु की पुष्टि की है। राघवेंद्र अमेठी के रहने वाले थे। सगाई हो चुकी थी और मई में शादी थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। 24 फरवरी को हुए शूटआउट में राघवेंद्र को भी गोली लग गई। फिलहाल इस दुखद समाचार से परिजनों के साथ ही साथ पुलिस महकमे में भी शोक की लहर दौड़ गई। दूसरे सिपाही की मौत से प्रयागराज शूटआउट में उमेश पाल समेत मरने वालों की संख्या 3 हो गई है।